हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है? तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाओ और ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोग को? कोई भी दिक्कत कमेंट करेंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोग को? ठीक। सो जैसा आप बोर्ड पे देख रहे होंगे और मैंने कल भी आप लोगों को कहा था कि आज का जो टॉपिक है हम लोग पढ़ने वाले हैं, बुलियन फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके दो तरीके अपने, एक है एसओपी फॉर्म और दूसरा है पीओएस फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, ये आप लोग अपने यूनिवर्सिटीज में पढ़े होंगे, अपने सेमेस्टर एग्जाम के लिए इसका प्रिपरेशन किए भी होंगे। ठीक है, बड़ा सिंपल टॉपिक है और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी बुलियन एक्सप्रेशन का जो रिप्रेजेंटेशन हम लोग ने हुआ है इसका मिनिमाइजेशन टेक्निक्स। ठीक है, तो मिनिमाइजेशन टेक्निक्स के लिए आप लोग बुलियन लॉज यूज कर सकते हो, जो हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था बुलियन अल्जेब्रा चैप्टर में, और उसके बाद कर्न ऑफ मैप अपने को पढ़ना है, के मैप। ठीक, पूरे डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको। स्टार्ट करते हैं कि बुलियन फंक्शन या बुलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के अपने पास दो तरीके होते हैं, एक होता है एसओपी फॉर्म और दूसरा होता है पीओएस फॉर्म। दोनों मैं पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से आप लोग देखते रहना। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़े फॉर्म में बता देता हूं। देखो, पहला होता है एसओपी फॉर्म और दूसरा अपने पास है पीओएस फॉर्म। एसओपी फॉर्म का हम लोग बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, ओके। और पीओएस फॉर्म की बात कर रहे हैं तो ये हो गया अपने पास प्रोडक्ट ऑफ सम। सो पहले हम लोग यहां पे डिस्कशन कर लेते हैं एसओपी के लिए, फिर अपन पीओएस में आएंगे। ओके, देखो ये जो होता है ये दो टाइप का होता है। कैसे? एक हम लोग बोलते हैं नॉर्मल एसओपी फॉर्म, ठीक, और एक होता है अपने पास स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म, या इसका एक और भी नाम है कैनोनिकल, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म। ये देखो मैंने लिख दिया है, ठीक है, ओके। पहले इसका हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं बहुत आराम से। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है कि मेरे पास एक फंक्शन है a कॉमा b, ठीक है, ये मैंने दो वेरिएबल का ये दो इनपुट है, बुलियन फंक्शन लिया, और इस बुलियन फंक्शन में लेट सपोज मेरे पास जो एक्सप्रेशन है, देखो एक्सप्रेशन कैसे लिया मैंने, ए बी बार प्लस ए सी, ये इस टाइप का। या अगर मैं चलो इंडिविजुअल इसको लिखता हूं, लाइक मैंने लिखा ए बी, ये अपने पास ए बी बार, ये हो गया ए बी बार, या अपने पास ए बार बी बार, या सिंपली ए, इस टाइप से, ठीक है, या अपन सिंपली यहां पे लिख सकते हैं बी। ओके, ये आपको दिख रहा है सभी को? तो नॉर्मल फॉर्म अपन एक्चुअली में इसको दोनों को अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो होंगे क्या ये, कि जब अपन नॉर्मल फॉर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि सर फंक्शन में कितने वेरिएबल्स हैं। तो आपको दिखा कर सर कि दो वेरिएबल्स अपने पास फंक्शन में लिखे हुए, ठीक है। अब उसी दो वेरिएबल को आप यहां पे देखोगे प्रोडक्ट के फॉर्म में, और इसी प्रोडक्ट टर्म्स का आप लेने वाले हो सम। तो आपको ये जो दिख रहा है, ये दो वेरिएबल जैसे मैंने यहां पे लिए हुए हैं, या अगर अपन चलो एक और वेरिएबल सी को ले आते हैं, ठीक, ये तो नॉर्मल फॉर्म और स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में डिफरेंस ये होता है कि जब हम लोग यहां पे बात करते हैं नॉर्मल फॉर्म का, तो ये आपको दिख रहा है कि ए और बी के बीच का प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है, ए बार और बी के बीच का प्रोडक्ट हो रहा है, ए बार बी बार ए बी, या अपन लिख सकते हैं इसको ए सी या बी सी सी बार, ये इस टाइप से कुछ। बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल लिख दिए, तो आप देख सकते हो कि फंक्शन में जो यहाँ पे इनपुट्स लगे हुए वेरिएबल्स है उनका प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक, क्या हो रहा है अपने पास प्रोडक्ट। और जब मैं इसका सम लेता हूं तो मैं फंक्शन देखो कैसे किस फॉर्म में लिखने वाला हूं। तो आप इसको, अगर आपको इसको लिखना है तो ये सब क्या हो गए, ये अपने पास हो गए प्रोडक्ट टर्म्स, प्रोडक्ट टर्म्स, ठीक। और मुझे अगर फंक्शन के फॉर्म में इसको कंप्लीटली रिप्रेजेंट करना है,
तो आप देखो, चलो मैंने तीन वेरिएबल यहाँ पे लिया हुआ है, तो मैंने लिखा इसको ए बी प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए प्लस बी प्लस ए सी प्लस सी बार। ये बहुत सारे मैंने यहाँ पे टर्म्स ले लिए हैं, आप देख सकते हो, और ये प्रोडक्ट टर्म्स का मैंने यहाँ पे समेशन लिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड सम ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन जब आप लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड एसओपी लिखते हो तो यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी अपने पास प्रोडक्ट टर्म्स होने वाले, जितने भी प्रोडक्ट टर्म्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे, लाइक मैंने लिखा ए बार बी सी, मैंने लिखा ए बी सी, मैंने लिखा ए बार बी बार सी बार, लाइक दिस, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि जितने भी मैंने प्रोडक्ट टर्म्स लिखे हुए हैं इस कैटेगरी में, उसमें सारे, हर एक टर्म्स में सारे वेरिएबल, सारे इनपुट प्रेजेंट है, ठीक। लेकिन ये सिचुएशन यहां पे नहीं हो रहा था, आप जैसे देख सकते हो। और अगर मैं इसी प्रोडक्ट टर्म का यहाँ पे अगर मैं सम लेता हूं, मतलब कि पूरा बुलियन फंक्शन यहाँ पे बनेगा, तो ये होगा ए बार बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी बार सी बार, ठीक। ये आपको समझ में आ रहा है? तो ये दोनों में आपको बहुत मेजर डिफरेंस ये दिख रहा है कि जब अपन किसी फंक्शन में जितने भी प्रोडक्ट टर्म्स होते हैं, उसमें हर एक टर्म में हर एक वेरिएबल अगर प्रेजेंट है, तो वो होगा अपने पास इस बुलियन फंक्शन का स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म, ठीक। लेकिन यहां पे आप देखोगे इस कैटेगरी में तो ए बी यहां पे कौन नहीं है, सर सी नहीं है अपने पास, यहां पे कौन नहीं है, सर सी नहीं है। जैसे अगर मैं ए की बात करूं, इस टर्म की बात करूं, तो सर यहां पे तो बी नहीं है ना तो सी है। इसकी बात करूं बी के लिए, तो यहाँ पे ए नहीं है, सी नहीं है, तो सारे प्रेजेंट यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट टर्म्स में मौजूद नहीं है। तो इस टाइप का जो फॉर्म होता है वो है नॉर्मल एसओपी फॉर्म, ठीक। इसी तरीके से आप लोग पूरा एक पेज में इसको नोट करना, ये पूरा एक पेज में होना चाहिए आपका, आपको बहुत अच्छे फॉर्म में समझ में आएगा। वैसे ही अगर मैं पीओएस फॉर्म की बात करता हूं, यहां से देखना आप लोग पीओएस फॉर्म का, तो इसके भी मैं यहाँ पे दो टाइप लिखने वाला हूं। एक होता है नॉर्मल पीओएस फॉर्म, ठीक है, और दूसरा होता है अपने पास स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म, ठीक, या इसका एक और भी नाम है, इसको हम ले सकते हैं कैनोनिकल पीओएस फॉर्म, ये, ठीक। तो यहां पे बात हो रही है प्रोडक्ट ऑफ सम, सर सम मतलब सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा सम टर्म्स, सर सम टर्म्स कौन कौन से होंगे, ध्यान से देखना आप लोग। मैंने अगेन थ्री वेरिएबल्स का फंक्शन यहाँ पे बनाने वाला हूं, ए बी सी, ठीक, ध्यान से देखना आप लोग। तो यहां पे हो गया ए कॉमा बी, और भी अपन ले सकते हैं ए प्लस बी, और आप लिख सकते हैं ए प्लस सी, ए बार प्लस सी बार। तो यार मैंने डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे ले लिए है, जैसा आपको दिख रहा है कि सर यहाँ पे ए बी ए प्लस बी, तो वेरिएबल्स का हो क्या रहा है, सर सम हो रहा है, तो ये हो गया अपने पास सम टर्म्स। अभी मुझे इसका क्या करना है, सर प्रोडक्ट लेना है, ठीक। तो मैं यहाँ पे अगर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता हूं बुलियन फंक्शन को ए कॉमा बी कॉमा सी के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा ए, तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट लेना है, ध्यान से देखना आप लोग। तो प्रोडक्ट ले रहा हूं मैं ए बी, फिर उसके बाद ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए बार सी बार। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये है प्रोडक्ट, सम टर्म्स का प्रोडक्ट, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ सम, पीओएस फॉर्म, ठीक। तो ये नॉर्मल फॉर्म की बात हो गई है। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि कैनोनिकल फॉर्म में क्या होगा, सबसे पहले मैं सम टर्म्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा। सम टर्म्स किस तरीके से होंगे, सर ए प्लस बी प्लस सी, लाइक दिस, फिर यहाँ पे ए प्लस बी बार प्लस सी बार, फिर उसके बाद सर ए प्लस बी बार प्लस सी बार बार, ये इस तरीके से। तो अगर मैं इसको इस सम टर्म्स का अगर मैं प्रोडक्ट लेता हूं, तो मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, फंक्शन को या बुलियन फंक्शन जो मैं इसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ए कॉमा बी कॉमा सी, ए प्लस बी प्लस सी डॉट, मतलब इनटू ए प्लस बी बार सी बार और डॉट ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ये। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सम टर्म्स का प्रोडक्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ सम पीओएस फॉर्म। तो ये डिफरेंट वेज होते हैं किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का, तो ये टॉपिक उसी पे बेस्ड होने वाला है, ठीक। तो यहाँ पे सेम कैटेगरी है, जैसे मैंने नॉर्मल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म को यहाँ पे डिस्टिंग्विश किया, तो सेम एज इट इज आप नॉर्मल फॉर्म और स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म को भी डिस्टिंग्विश कर सकते हो। जैसा आप देख रहे हो कि सम टर्म्स में हर एक
जो वेरिएबल है, जो इनपुट है वो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड में हर एक प्रेजेंट, हर एक इनपुट हर एक टर्म में होना चाहिए। समझ में आ रही बात? जैसे मैंने लिखा हुआ है दिस वन दिस वन दिस वन, ठीक, इसको आप नोट कर लो। आज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम है आपका, आप लोग का एग्जाम 12 से है ना, मिड सेम का एग्जाम 12 से है, इसलिए नहीं आए क्या बच्चे, बताओ। नोट कर लिए? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसका थोड़ा डेफिनेशन लिख लेते हैं, समझ में आप लोगों को बिल्कुल आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ा आसान चीज है ये। देखो, एन एसओपी इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। डेफिनेशन नोट कर रहे हैं आप लोग? तो चार अपने को यहां पे लिखने हैं, नोट करेंगे आप लोग स्टेटमेंट। एन एसओपी इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एसओपी, एन एसओपी, एसओपी इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एसओपी इफ if all the product terms, if all the product terms, if all the product terms contains, if all the product terms contains all the variables either in normal form or complemented form, either in normal form or complemented form, ठीक है ये। तो आप जैसे देख रहे होंगे कि जो मैंने लिखा हुआ है product terms, ये standard क्यों बना है? क्योंकि यहाँ पे हर एक variable मौजूद है, चाहे वो normal form पे हो चाहे वो complemented form पे हो, लेकिन वो present होना चाहिए। अगर मैंने बोला ये, मैंने C को यहां से remove कर दिया, अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ सर ये कौन सा फॉर्म शो कर रहा है, स्टैंडर्ड है कि नॉर्मल है? ए बी, क्या बोलते हैं आप लोग? ये ए बी जो लिखा हुआ है ये तो अपने पास स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड है, लेकिन यहां पे सी मौजूद नहीं है, ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉर्मल फॉर्म हो गया। ओके, समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग यहां पर लिख रहे हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट।
अब पीओएस एसओपी हो गया, पीओएस के बारे में लिख रहे हैं। अब पीओएस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड पीओएस, है ना, स्टैंडर्ड को हम लोग कैनोनिकली बोले, मैंने ऑलरेडी यहां पे बता दिया आपको, ठीक है। अब पीओएस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड पीओएस इफ ऑल दी सम टर्म्स, इफ ऑल दी सम टर्म्स, इफ ऑल दी सम टर्म्स कंटेन्स कंटेन्स ऑल द वेरिएबल्स आइदर इन नॉर्मल फॉर्म और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, ठीक है। बड़ा आसान सा चीज था ये जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक, चलो। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है फंक्शन ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये लिखा हुआ है, और एक्सप्रेशन को जिस तरीके से ए बी सी प्लस ए बार बी बार डी बार प्लस ए बी सी बार डी बार प्लस ए बार बी बार सी बार डी बार, तो बताओ ये कौन सा फॉर्म आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको फॉर्म तो पहचानने आना चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बता दो यार कौन सा फॉर्म दिख रहा है आपको। फर्स्ट वन, सेकेंड वन मैं आपको दिखा रहा हूं ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, मैंने यहां पर लिखा ए बी बार सी बार डी बार प्लस ए बी सी डी प्लस ए बार बी सी बार डी, ठीक। थर्ड नंबर मैं यहां पे लिख रहा हूं ए कॉमा बी कॉमा सी, सो मैंने लिखा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक, ए प्लस बी, और नेक्स्ट है ए बार सी बार प्लस बी बार। फोर्थ वन मैं आपको दिखा रहा हूं फंक्शन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, मैंने लिखा ए प्लस बी प्लस सी बार, ठीक है, फिर उसके बाद ए प्लस बी बार प्लस सी बार, ये फिर ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। चलो बताओ सबसे पहला आपको क्या दिख रहा है, स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म पीओएस फॉर्म, ठीक है, आपने स्टैंडर्ड बोल दिया नॉर्मल बोल दिया, कौन सा फॉर्म दिख रहा है आपको, स्टैंडर्ड तो ठीक है नॉर्मल भी ठीक है, पीओएस फॉर्म है कि एसओपी फॉर्म है। तो अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे फर्स्ट नंबर को, तो फर्स्ट नंबर आपको दिख रहा है कि सर सारे वेरिएबल्स तो प्रेजेंट नहीं है और ये सब प्रोडक्ट टर्म किस फॉर्म में, मतलब कि सर ये एक नॉर्मल एसओपी को शो कर रहा है, ठीक है, अपने कॉपी में आप लिख लो इस चुनिंदा एग्जांपल्स को। सेकंड नंबर की बात कर रहे हैं तो सर यहाँ पे सभी के सभी प्रोडक्ट टर्म्स में, मतलब सर ये एसओपी फॉर्म तो दिख गया आपको, है ना, एसओपी फॉर्म तो आपको दिख गया, लेकिन इसमें सबके सब जो वेरिएबल्स है वो प्रेजेंट है, मतलब सर हम बोलेंगे इसको स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म, ये सर ये ए बी सी तीनों होने चाहिए हर एक सम टर्म्स में, तो ये अपने पास बन गया पीओएस फॉर्म, लेकिन कौन सा सर, नॉर्मल पीओएस फॉर्म, ठीक। और फोर्थ नंबर की बात कर रहे हैं, फोर्थ नंबर आपको दिख रहा है सर स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म, बस ये, ठीक है, इतना आप आराम से बता सकते हो, ओके। अच्छा अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, देखो ये ब्लू कलर के पेन से देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं आपसे पूछो कि मेरे पास फंक्शन है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ठीक है, अब ये लिखा हुआ है मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये लिखा हुआ, ठीक, इस तरीके से कुछ, तो ये कौन सा फॉर्म होगा बताओ, ये कौन सा फॉर्म होगा, So, चलो बताओ बताओ इसको क्या लगता है आप लोग को, बताओ सभी बताओ, जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं भले कम देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, हम तो पढ़ेंगे मस्त पढ़ेंगे, बताओ क्या बोलते हैं आप लोग, कौन सा फॉर्म दिख रहा है सर ये,
और अगर आपने ये बता दिया तो आप ये बताओ ए बी सी ठीक ये किस फॉर्म में दिख रहा है ए बी सी। चलो बताओ ये दो एग्जांपल है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और ए बी सी। क्या लगता है आप लोग को बताओ ना जल्दी बताओ। ठीक चलो मैं आपको बताता हूं आप लोग रिप्लाई कर नहीं रहे। तो चार वेरिएबल है और आपको दिख रहा है अगर मैं इसको देखूं सर ये अपने पास सारे टर्म्स तो प्रेजेंट हैं मैं ये बोल सकता हूं ठीक है। अगर मैं सभी को देखूं एक साथ ब्रैकेट लगा हुआ है तो मैं बोल सकता हूं कि सर ये अपने पास एक स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म को शो कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको क्या ये ब्रैकेट मैंने लगाया हुआ है ठीक ओके। लेकिन अगर मैं ब्रैकेट को नहीं दिख रहा हूं तो ये एक्चुअल में चारों वेरिएबल ऐसे लिखे हुए हैं क्या ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये ऐसे लिखे हुए हैं। तो अगर मैं बोलूं कि सर यहां पे हर एक वेरिएबल का मतलब हर एक टर्म्स का आप सम ले रहे हो तो सर ये कौन सा फॉर्म बन जाएगा सर ये नॉर्मल एसओपी फॉर्म आपको दिखेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई क्या क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपको एग्जैक्टली ठीक है स्टैंडर्ड पीओएस और नॉर्मल एसओपी ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टैंडर्ड पीओएस और नॉर्मल एसओपी ठीक। अगर मैं आता हूं यहां पे नेक्स्ट एग्जांपल पे ठीक तो नेक्स्ट एग्जांपल में सारे वेरिएबल्स का क्या हो रहा है सर सारे वेरिएबल्स का यहाँ पे क्या बताओ क्या हो रहा है सर प्रोडक्ट हो रहा है मतलब मैं बोल सकता हूं कि सर ये स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म को शो कर रहे हैं। क्या है अपने पास ये स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। अच्छा आप मुझे बताओ क्या ये पीओएस फॉर्म आपको दिख रहा है क्या पीओएस फॉर्म दिख रहा है क्या सर बिल्कुल दिख रहा है। अगर मैं इसको ऐसा देखता हूं ए डॉट बी डॉट सी तो यहां पे थ्री टर्म्स हैं और ये तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट हो रहा है ठीक मतलब सर ये कौन सा हो गया पीओएस का नॉर्मल फॉर्म। इसका मतलब है सर कोई भी फंक्शन को आप जिस भी वे से लिखना चाहे आप लिख सकते हैं चाहे आप उसको आप स्टैंडर्ड एसओपी स्टैंडर्ड पीओएस या नॉर्मल पीओएस नॉर्मल एसओपी ये सब मैंने आपको बता दिया। अब ये ऐसा यहाँ पे डिलेमा क्यों हुआ क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है अगर मैं ब्रैकेट को देख रहा हूं और अगर मैं ब्रैकेट को नहीं देख रहा हूं तो मेरे पास चार टर्म्स होंगे जिनका सम हो रहा है इसलिए यहाँ पे आपको डाउटफुल केस हो गया ये ठीक है ये भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग कन्वर्ट द फॉलोइंग कन्वर्ट द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन into standard form, standard form. आपको given है a comma b comma c, a plus b bar c, ठीक? ये हो गया। अभी मैं आप लोगों से अभी क्वेश्चन को छोड़ो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं मुझे बताना सर फंक्शन गिवन है और ये लिखा हुआ है a plus b c bar। अब मुझे आप लोग बताओ कि सर ये चारों में से कौन सा रिप्रेजेंटेशन है स्टैंडर्ड एसओपी स्टैंडर्ड पीओएस ठीक या नॉर्मल एसओपी या नॉर्मल पीओएस बताओ ये कौन सा फॉर्म आपको दिख रहा है क्या बोलते हैं आप लोग। एग्जैक्टली है ना जैसा आपको ये दिखा हुआ है लेकिन आपको ये बोलना चाहिए
आपने आंसर दिया वो सही है और वो गलत भी है। आपको इसके जगह पे ये बोलना था कि सर आपने तो बताया ही नहीं है कि इनपुट कितने हैं, आपने तो बताया ही नहीं कि इसमें इनपुट कितने हैं। मतलब सर ए बी सी जैसे वहां पे डिफाइन किया मैंने ए कॉमा बी कॉमा सी, थ्री इनपुट्स हैं, तो अपने को ये देखना है कि चाहे वो सम टर्म्स हो चाहे वो प्रोडक्ट टर्म्स हो, सभी के सभी टर्म्स मतलब सभी के सभी वेरिएबल्स वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए आइदर इन नॉर्मल फॉर्म कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, तो वो जाता है स्टैंडर्ड, या चाहे वो एसओपी की बात करें चाहे पीओएस की बात करें। तो सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आपको फंक्शन में वेरिएबल्स डिफाइंड होंगे कि जो वेरिएबल बन रहा है वो कितने फंक्शन मतलब कितने इनपुट से बन रहा है, कितने वेरिएबल से बन रहा है। समझ में आ रही क्या बात, बताओ यस और नो, समझ में आ गई बात? देखो नेक्स्ट ए प्लस बी बार सी, अभी मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, सर बूलियन एक्सप्रेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहले तो आप ये कमेंट करोगे सर तीन वेरिएबल्स हैं और आप देखोगे कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म ये दोनों में सारे टर्म्स प्रेजेंट नहीं है और ये आपको एक नॉर्मल एसओपी की तरह दिख रहा है, नॉर्मल एसओपी, ठीक। तो आप बोलोगे सर कि फर्स्ट में कौन सा टर्म नहीं है, तो बोलोगे सर ए है, तो कौन नहीं है सर, बी और सी नहीं है, ठीक। यहां पे सर कौन नहीं है, सर बी और सी तो है लेकिन ए नहीं है, तो उसको लेके आते हैं तभी तो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होगा। तो उसके लिए मैं यहां पे यूज करूंगा बुलियन लॉस। कैसे, देखो ये मैं कन्वर्ट कर रहा हूं ए को, मैंने लाया बी प्लस बी बार, कोई दिक्कत हुई क्या आपने को? सर ये क्यों लिखा आपने, सर बी प्लस बी बार क्या होता है, सर वन होता है ना, ठीक। और यहां पे बी बार सी और मैंने ना यहां पे ए प्लस ए बार, जो नहीं है वेरिएबल उसको ले के आओ, तो ये हो जाएगा अपने पास ए बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी, ठीक। अब सर ये तो कंफर्म हो गया कि ये ठीक है, सारे टर्म्स सारे वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, यहां की बात करते हैं तो ये हो गया मेरे पास ए बी सी प्लस सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस सी बार। समझ में आ रही बात, यहां पे ए बी बार सी और ए बार बी बार सी, इसको सॉल्व करते हैं ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बार ए बार ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार और सी बार, चेक करते हैं क्योंकि यहां पे कोई एक्स्ट्रा टर्म तो नहीं है। देखो सबसे पहले मुझे दिख रहा है ए बी सी फाइनल है, ए बी सी बार ये कहीं और दिख रहा है आपको नहीं, तो इसको आप लिख दो ए बी सी बार प्लस, ठीक है। इसका एक और भी तरीका बताऊंगा, बूलियन लॉस को हम लोग एक और तरीके से शो करेंगे, अभी आप वेट करना बस, अभी कन्वेंशनल वैसे हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। इसको देखो ए बी बार सी, ये देखो ये इस वाले को और ये थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म आपको एक ही दिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए बी बार सी, ये दोनों को मिला के, ठीक है। उसके बाद यहां पे आते हैं, ये हो जाएगा ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी, ये आपको क्या मिल रहा है सर, ये अपने पास कन्वर्ट हो गया स्टैंडर्ड, या इसको हम लोग बोल सकते हैं कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म, ये कन्वर्ट हो गया, ठीक। इसको आप नोट कर लेंगे। अब देखो मैंने इस फंक्शन में तीन वेरिएबल्स लिए हुए थे, अगर आपको पता है कि मैं अगर थ्री बिट्स में बात करता हूं या थ्री वेरिएबल्स की बात करता हूं तो उसमें जीरो और वन के फॉर्म में जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे उसका फॉर्मूला क्या होता है, टू पावर एन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। इसका मतलब सर आप ये कह रहे हैं क्या कि ये हो गया ए बी और सी, थ्री वेरिएबल्स है अपने पास, ठीक। और यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब आपको नया चीज यहां पे जानने मिलेगा कि इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने में फर्स्ट वाला वेरिएबल कौन सा है, जो फर्स्ट वेरिएबल होगा इनपुट होगा वो बनेगा एमएसबी बिट, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो लास्ट वेरिएबल होगा वो बनेगा एलएसबी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, है ना। तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है ए बी सी, ये हो गया अपने पास एमएसबी और ये एलएसबी, ठीक। अगर इसी में मैं लिख दूं सी कॉमा ए कॉमा बी, तो आप बोलोगे सर सी जो है इस बार एमएसबी बिट हो गया और बी जो है वो एलएसबी हो गया, इसका मतलब मैं लिखूंगा यहां पे सी ए बी कुछ इस तरीके से, ये आप देख सकते हो, ठीक है। चलो अब इस टेबल को हम लोग कंप्लीट करते हैं, तो थ्री वेरिएबल्स है तो वी हैव एट कॉम्बिनेशंस लाइक दिस, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
101 110 111 111, ये ठीक ये आपने लिख दिया। अगर मैं इसका डेसिमल इक्विवेलेंट फॉर्म करता हूं तो डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा सर, जीरो हो जाएगा। ये लिख दो यहां पे डेसिमल 0 1 2 3 4 5 और वो छूट गया क्या, हम लोगों ने 3 लिखा ही है। देखो जीरो डबल 100 101 110 और 7 नंबर आ गया अपने पास 111। ठीक ये हो गया। अब यहां पे जब बारी आती है, आपने एमएसबी और एलएसबी बता दिया और एसओपी फॉर्म की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, इस एग्जांपल के थ्रू एसओपी फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो इसका जो एक्सप्रेशन होगा, देखो एक्सप्रेशन में कैसे लिख रहा हूं, एक्सप्रेशन कैसे होगा सर, एसओपी फॉर्म में ऑलवेज, एसओपी फॉर्म में ऑलवेज वन जो लॉजिक होगा उसको हम लोग नॉर्मल फॉर्म से रिप्रेजेंट करेंगे, नॉर्मल फॉर्म। ठीक, और जो जीरो लॉजिक होगा उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म के शो करेंगे, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। ठीक है, तो एक्सप्रेशन होगा इसका सर ए बार बी बार सी बार। आप यहां पे क्या कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट टर्म का सम ले रहे हैं, है ना, तो यहां पे मैं तीनों वेरिएबल का प्रोडक्ट कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू दिस स्टेट ऑफ इनपुट्स। यहां पे मैं लिखूंगा ए बार बी बार सी, ये हो जाएगा ए बार बी सी बार, ये हो गया ए बार बी सी, ये ए बी बार सी बार, ये ए बी बार सी और ए बी सी बार और यहां पे ए बी सी, ये पूरा कंप्लीट एक्सप्रेशन हो गया। ठीक, अब मुझे इसी को लिखना है कैसे, कि जब अपने पास एसओपी फॉर्म की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड एसओपी जो होता है उसके जो प्रोडक्ट टर्म्स होते हैं, ठीक है, तो स्टैंडर्ड एसओपी में जितने भी प्रोडक्ट टर्म अपने पास लिखे हुए हैं उसको हम बोलते हैं मीन टर्म्स। क्या, स्टैंडर्ड एसओपी में जितने भी टर्म्स होते हैं, क्योंकि उसमें सारे वेरिएबल्स होते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं मीन टर्म्स। ठीक, और अगर मैं यहां पे ये टेबल आप देखोगे, मैं मीन टर्म्स का रिप्रेजेंट करूं, सो हो जाएगा एम जीरो अकॉर्डिंग टू डेसिमल इक्विवेलेंट एम टू एम थ्री एम फोर एम फाइव एम सिक्स और ये एम सेवन। तो आप देख रहे हैं कितने मीन टर्म्स है अपने पास सर, टोटल 8 मीन टर्म्स है। 8 मीन टर्म्स क्यों, क्योंकि अपने पास 3 वेरिएबल्स हैं, सो वी हैव 8 कॉम्बिनेशंस और फॉर 8 कॉम्बिनेशंस वी हैव 8 मीन टर्म्स। ओके, तो मीन टर्म्स यहां पे मैं अगर बोलूं कि एक्चुअल में इसका जो डेफिनेशन है वो क्या होगा, कि एवरी, देखो क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे, एवरी प्रोडक्ट टर्म्स कंटेन्स, एवरी प्रोडक्ट टर्म कंटेन all the variables either in normal form or in either in normal form or complemented form। तो ये होता है definition mean terms के। Every product terms contain all the variables either in normal SOP, एसओपी की हम लोग बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं यहाँ पे टर्म्स का, कौन सा टर्म्स, ये देखो लिखा है मैंने प्रोडक्ट टर्म्स। ठीक है, ये हो गया मीन टर्म्स। इसका मतलब सर इसे इस एग्जांपल में आपको क्या दिख रहा है कि ये अपने पास ए बी सी ये लिखा हुआ है सर, ए बी सी कौन से मीन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है सर, ये हो गया एम सेवन। ठीक है, ए बी सी बार सर ये हो गया एम सिक्स, इसको आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो 111 110 101 100 और 001, दैट मीन्स ये हो जाएगा M5, फिर यहां पे सर यहां पे M4, फिर ये M1। तो इसको अगर मैं लिखूं तो इसको लिखने का तरीका होता है F of A comma B comma C summation of M that is 1 4 5 6 और ये 7, ये मीन टर्म्स के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये लिखने का तरीका और भी है M1 M4 M5 M6 M7, या इसी एक्सप्रेशन को जब हम लोग स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं
तो स्टैंडर्ड में सारे टर्म्स होंगे सभी प्रोडक्ट टर्म्स में, और ये हो गया अपने पास मीन टर्म्स, दैट इज समेशन। सर इसका समेशन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अपने को जो मीन टर्म्स है उसका समेशन ले रहे हैं, क्योंकि अपने को इस प्रोडक्ट टर्म्स का समेशन करना है। तो प्रोडक्ट टर्म का समेशन आप करोगे तभी तो बनेगा एसओपी फॉर्म, और वो बनेगा स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। समझ में आएगा बात? ठीक। तो ये जो मैंने इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट किया था नॉर्मल एसओपी से स्टैंडर्ड एसओपी में, तो ये करने का तरीका है। इसको आप एक और वे से कर सकते हैं, आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ओके, नोट किए। देखो तो ये अपने पास था नॉर्मल एसओपी फॉर्म, इसको अपने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड में। तो इसके लिए मैं एक और अल्टरनेटिव वे आपको बता रहा हूं। तो फर्स्ट हमको देखो यहाँ पे लिखा है ए, मतलब यहाँ पे कौन नहीं है सर? बी और सी नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले ये फर्स्ट हम की हम बात कर रहे हैं, तो ये हो गया ए जो कि नॉर्मल फॉर्म पे है, और यहाँ पे कौन नहीं है सर? बी और सी। तो आप देखोगे सिक्वेंस को कि इनपुट में ये जो फंक्शन जो लिखा होगा उसमें इनपुट का सिक्वेंस क्या है, तो यहीं से आपको डिसाइड होगा कि ये ए जो है वो एमएसबी है और सी एलएसबी है। अगर आप इस सीक्वेंस को चेंज कर दिए तो ये पूरी काउंटिंग चेंज हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाएंगे पूरे। तो इस सीक्वेंस को आप सबसे पहले देखोगे, फिर आप ए के बाद क्या लिखोगे? बी। तो बी और सी नहीं है सर। बी और सी नहीं है इसका मतलब क्या है सर? बी और सी कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी का मतलब सर एक वेरिएबल दो स्टेट रखते हैं, या तो जीरो होंगे या तो वन होंगे। ठीक, तो इसको मैंने डोंट केयर के फॉर्म में लिखा होगा। ये क्या है अपने पास? ये हो गया डोंट केयर टर्म। अब डोंट केयर टर्म यहाँ पे या तो ये जीरो हो सकता है या तो ये वन हो सकता है। ठीक, तो सभी अपने को यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। देखो ए जो है वो नॉर्मल फॉर्म में है, और नॉर्मल फॉर्म एसओपी में हम क्या लिखते हैं? वन। मतलब ये वन सर, ये दोनों हो सकता है जीरो हो। दो डोंट केयर है ना, दो डोंट केयर है, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? चार कॉम्बिनेशन। कैसे? ये देखो 100 101 110 और ये वन, ये तो वन फिक्स है ना, 111 सर। ये क्या हो गया सर? ये फोर है। ये कितना हो गया? ये अपने पास फाइव। ये सर ये सिक्स हो गया ना, और ये सेवन हो गया। अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करना है तो फोर को आप क्या लिखते हो? फोर को आप लिखते हो सर ए बी बार सी बार। ठीक है, ये फाइव को आप लिखते हो ए बी बार सी, सिक्स आप लिखते हो ए बी सी बार, और सेवन लिखते हो ए बी सी। ऐसा ही होता है। और मीन टर्म्स की बात करें तो मीन टर्म्स ये हो जाएंगे एम फोर एम फाइव एम सिक्स और ये एम सेवन। ये सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड टर्म्स की तरफ। सेकेंड टर्म आपके पास गिवन है सर बी बार सी। तो बी बार सी में आपके पास कौन नहीं है सर? ए नहीं है। अब ए नहीं है तो वो डोंट केयर, मतलब कुछ भी हो सकता है ना, जीरो भी हो सकता है वन भी हो सकता है। और ये हो गया बी बार सी। पता चला कि डोंट केयर आपने यहां लगा दिया लास्ट में, है ना। ध्यान रखना कि इनपुट का सीक्वेंस क्या है,
वहीं से एमएसबी और एलएसबी डिसाइड होता है। तो ये हो जाएगा सर बी बार जो है वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में मतलब जीरो, तो ये जीरो और डोंट केयर अपने पास जीरो और वन हो सकता है, लेकिन बी बार क्या होगा सर ये होगा जीरो और ये जीरो। सी क्या होगा अपने पास सर सी नॉर्मल फॉर्म मतलब वन वन और ये वन। तो अगर आप इसको देख रहे होगे तो क्या लिखा होगा अपने पास ये सो ये लिखा हुआ है अपने पास वन ठीक, और ये लिखा हुआ है फाइव। तो अगर इसको आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप लिखोगे ए बार बी बार सी और ये हो जाएगा ए बी बार सी। ये इसको हम लिखते हैं एम वन मीन टर्म्स के फॉर्म में एम फाइव। आपको याद होगा मैंने थर्ड टर्म और ये एक और था अपने पास यहाँ पे ए बार ए बी बार सी और फिफ्थ नंबर का एक टर्म था जिसको मैंने एक करके यहाँ पे लिखा था ए बी बार सी, आपकी कॉपी में लिखा होगा। तो आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे सेम सिनारियो इस अल्टरनेटिव वे पे भी हो रहा है कि फिफ्थ नंबर का टर्म आपको दो बार मिल रहा है, आपको तो एक ही बार लिखना है ना। तो यहां से भी ये तरीका आसान होता है क्योंकि अपने को कन्वेंशनल वे तो यूज करना ही नहीं है, अपने को तो गेट पेपर क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए इससे मतलब है। तो आप इस वे को हमेशा यूज करोगे जब भी आपको स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म या पीओएस फॉर्म आपको फाइंड करना होगा ठीक। इसको आप नोट कर लो। और सेम चीज यहां पे आपको मिल रहा है मेन टर्म्स M1, M4, M5, M6, M7 ये सब मैंने यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है आगे बढ़े, नोट कर लिए होंगे आप लोग। देखो सेम क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, सेम क्वेश्चन सेम, और मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। मैंने आपको ये नहीं बोला कि सर ये पीओएस है कि एसओपी है, ये आपको खुद रिकॉग्नाइज करने आना चाहिए कि सर ये एसओपी की पीओएस है ठीक। अभी मैंने पूरा कंप्लीट डिस्कशन किया हुआ है एसओपी का, स्टैंडर्ड एसओपी, नॉर्मल एसओपी और उसके करस्पॉन्डिंगली हम लोग मेन टर्म्स का फॉर्म भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पीओएस का फॉर्म पढ़ते हैं सेम क्वेश्चन के साथ, क्योंकि सेम क्वेश्चन का पढ़ोगे क्योंकि सेम एग्जांपल जब होता है अपने पास समझने के लिए तो अपने को चीजें रिलेट करने में मजा आती है ठीक है। तो मैं इसी एग्जांपल को देखने वाला हूं और अब मैं लिखूंगा, अब मैं यहां पे इसको लिखने वाला हूं पीओएस के फॉर्म में ठीक है। किसके फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग, पीओएस के फॉर्म में ठीक। अब सर मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताना आप लोग कि अभी अपने को ये जो एग्जांपल है जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं एसओपी फॉर्म में, अब पीओएस फॉर्म में देखना है। तो पीओएस फॉर्म में दो तरीके होते हैं रिप्रेजेंट करने के, एक होता है नॉर्मल वे और दूसरा होता है स्टैंडर्ड वे ठीक। आप लोग मुझे एक बात बताओ सर ये एक्सप्रेशन आपको किस फॉर्म में दिख रहा है, नॉर्मल पीओएस की स्टैंडर्ड पीओएस, बताओ दो एक बार आप लोग, आपको क्या दिख रहा है जल्दी बता दो। चलो क्या दिख रहा है आपको सर, नॉर्मल पीओएस कि स्टैंडर्ड पीओएस, बताओ ना क्या दिख रहा है आपको। तो सभी लोग यहां पे यार नॉर्मल लिख रहे हैं, नॉर्मल पीओएस। अच्छा एक बात यार बताओ, आप मुझे एक बात बताओ,
क्वेश्चन का स्टेटमेंट मैंने चेंज नहीं किया, ठीक। मैंने आपको बोला कि आपको रिकॉग्नाइज करने आना चाहिए एसओपी पीओएस फॉर्म के नॉर्मल और स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी आप 10 मिनट पहले इसी एक्सप्रेशन को क्या लिखे थे, क्या लिखे थे आप सर? नॉर्मल एसओपी फॉर्म ये लिखे थे ना, ये तो अभी भी वही है ना, देखो तो ध्यान से आप। तो क्या सर टर्म्स का यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्रोडक्ट हो रहा है और उसका सम हो रहा है, तो अभी भी ये एसओपी फॉर्म में ही है, कोई पीओएस फॉर्म में नहीं दिख रहा आपको, ये कोई पीओएस फॉर्म में नहीं है, अभी भी ये एसओपी फॉर्म में ही लिखा हुआ है ना, समझ में आ रही बात? इसलिए मैंने क्वेश्चन थोड़ा उल्टा पूछा था आपसे ताकि आप जवाब दो। आप बोलो कि सर ये अभी भी नॉर्मल एसओपी फॉर्म में ही है, इसको पीओएस में लाना पड़ेगा। अब वो कैसे लाएंगे मैं आपको बता रहा हूं, देखो बुलियन लॉस से। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज कर रहा हूं। तो सर आपको पता है कि आप एसओपी को पीओएस में चेंज करोगे तो पीओएस का फॉर्म क्या होता है सर? सम टर्म्स होने चाहिए वहां पे, है ना, ऐसा ही होता है, फिर उसका प्रोडक्ट भी लेंगे हम लोग, ठीक। तो देखो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई करता हूं कैसे दिखेगा आपको सर? ए प्लस बी बार और यहां पे दिखेगा ए प्लस सी, बराबर है ना, ठीक। अब यहां पे अब मुझे आप लोग एक बात बताओ सर, अब किसमें दिख रहा है जल्दी से बताओ, अब ये किसमें दिख रहा है? चलो बताओ क्या बोलते हैं आप लोग, अब ये किसमें दिख रहा है? ए प्लस बी बार ए प्लस सी बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने अप्लाई किया यहां पे, एग्जैक्टली नॉर्मल पीओएस, ठीक। अभी किसमें दिख रहा है सर? नॉर्मल पीओएस में, बहुत बढ़िया, ऐसे ही होना चाहिए रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये अभी भी एसओपी में था, अब चेंज होकर ये हो गया पीओएस में, क्योंकि यहां पे सम टर्म्स है और उनका प्रोडक्ट हो रहा है। अब इसको मैं कन्वर्ट करता हूं तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बार प्लस जीरो, ए प्लस सी प्लस जीरो। सर ये क्या कर रहे हैं आप, समझ नहीं आ रहा है सर? आपको नॉर्मल पीओएस से स्टैंडर्ड पीओएस में आना है तो यहां पे फर्स्ट आप टर्म को देखो, ए प्लस बी बार सर कौन नहीं है? सर सी नहीं है वहां पे, यहां पे कौन नहीं है सर? बी नहीं है, लेके आओ ना उसको जैसे हम लोग स्टैंडर्ड एसओपी में किए थे। तो उसके लिए मैंने लिखा जीरो। सर जीरो क्यों लिखा आपने? क्योंकि यार एक बात बताओ, ए ए बार की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है ना, कोई वेरिएबल हो। इसका मतलब कि सर आप ये लिख रहे हैं क्या, ए प्लस बी बार प्लस सी सी बार, और यहां पे ए प्लस ये जीरो के जगह पे सर बी बी बार प्लस सी, या मैं सीक्वेंस वैसे ले देता हूं आपको दिक्कत होगी, ये देखो सी प्लस बी बी बार ये। अब क्या करें सर, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करो, कैसे? ये देखो ए प्लस बी बार प्लस सी, आप इसको एक टर्म मान लो और उसके साथ इस टर्म को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बार प्लस सी, फिर उसके बाद a प्लस बी बार प्लस सी बार, ठीक। उसके बाद इसको देखो, इसको भी एक मान लो a प्लस बी प्लस सी, फिर a प्लस बी प्लस बी बार प्लस सी। समझ में आया क्या आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब यहां पे जब हम लोग बात करते हैं SOP फॉर्म का, तो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि सर SOP फॉर्म में जब हम लोग लिखते हैं लॉजिक वन को, तो ये होता है नॉर्मल फॉर्म, और जीरो जब हम लिखते हैं तो ये होता है कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। जब हम लोग पीओएस की बात करते हैं तो पीओएस में जो वन लिखते हैं हम लोग, ये होता है कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, जस्ट रिवर्स यहां पे लिखना है, और जीरो को हम लिखते हैं यहां पे नॉर्मल फॉर्म पे, जस्ट रिवर्स पॉसिबिलिटी यहाँ पे, ठीक। अब देखो इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा ए। सर ए ए क्या लिखा हुआ है? नॉर्मल फॉर्म पे। नॉर्मल फॉर्म को क्या लिखते हैं पीओएस में? सर जीरो लिखते हैं, ये हो जाएगा जीरो, फिर ये सर ये वन, ठीक, फिर ये सर जीरो, मस्त हो गया ये। फिर नेक्स्ट यहां पे आते हैं सर जीरो वन वन, फिर यहां पे अच्छा एक और बात आपको दिख रहा है कि सर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको एक ही दिख रहा है, तो इसको एक कर लेते हैं a प्लस बी बार प्लस सी, ये हो गया, फिर a प्लस बी बार प्लस सी बार, फिर अब a प्लस बी प्लस सी, अब इसको लिखते हैं जीरो वन के फॉर्म में, तो ये हो गया वन जीरो जीरो वन जीरो, यहां पे सर जीरो वन वन जीरो जीरो जीरो,
तो आप देखोगे कि यहां पे आपको कौन कौन से टर्म मिल रहे हैं सर, 010 011 000। तो जैसे हम लोगों ने एसओपी फॉर्म को रिप्रेजेंट किया था मिन टर्म्स के लिए, तो वैसा ही पीओएस फॉर्म के लिए भी एक फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं मैक्स टर्म्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? मैक्स टर्म्स। ये देखो मैक्स टर्म लिखने का तरीका, मैक्स टर्म। और हम यहां पे बात कर रहे हैं पीओएस फॉर्म का, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, मैक्स टर्म कैसा होगा सर? हर एक सम टर्म्स अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि सारे वेरिएबल्स, चाहे वो नॉर्मल फॉर्म में हो चाहे वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो, मतलब एवरी सम टर्म्स। अब मैं इसको यहां पे चेंज कर रहा हूं, एवरी सम टर्म्स कंटेन ऑल द वेरिएबल्स आइदर इन नॉर्मल फॉर्म और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है तो मैं लिखूंगा ए प्लस बी प्लस सी, सम टर्म्स जीरो, ए प्लस बी प्लस सी बार, क्योंकि जीरो होता है नॉर्मल फॉर्म और वन होता है कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, जस्ट अपोजिट एसओपी से। यहां पे लिखूंगा मैं ए प्लस बी बार प्लस सी, यहां पे ए प्लस बी बार प्लस सी बार, दिस वन ए बार प्लस बी प्लस सी, ए बार प्लस बी प्लस सी बार, फिर यहां पे ए बार प्लस बी बार प्लस सी, और यहां पे ए बार बी बार सी बार। ये देखो मस्त हो गया पूरा अपोजिट। और डेसिमल के इक्विवेलेंट ये हो जाएगा एम जीरो, ये हो जाएगा एम वन, एम टू, एम थ्री, एम फोर, एम फाइव, एम सिक्स और एम सेवन। पूरे एट मैक्स टर्म्स मैंने लिखे हुए हैं। मीन टर्म्स की जब बात की थी तो वो था प्रोडक्ट टर्म्स के लिए, और मैक्स टर्म की बात की हम लोगों ने तो ये सम टर्म्स की बात हो रही है। और मीन टर्म्स कैपिटल स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ था और मैक्स टर्म्स कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। तो अगर मुझको इसको रिप्रेजेंट करना है, ये देखो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पे। सो मैं इसको लिखूंगा पाई ऑफ एम। हम लोग इसको कैसे लिखे थे? समेशन ऑफ एम। सर यहां पे समेशन क्यों था? क्योंकि मुझे उस प्रोडक्ट टर्म का सम लेना है, दैट्स व्हाई समेशन था। लेकिन अब मुझे मैक्स टर्म के लिए या पीओएस फॉर्म के लिए मुझे सबका प्रोडक्ट लेना है, तो इसलिए मैंने यूज किया यहां पे पाई का साइन, पाई ऑफ एम ऑफ व्हाट। सर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये अपने पास अगर मैं इसको लिखूं तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सर एम टू को, एम थ्री को, और ये एम जीरो, मतलब समेशन ऑफ, नहीं अब आएगा यहां पे पाई, मतलब पाई ऑफ एम जीरो टू थ्री। इसको ध्यान से देखो आप लोग, और आप इसे ध्यान से देखो, ये दोनों को आप ध्यान से देखो क्या दिख रहा है। सर आपने सेम एक्सप्रेशन को फर्स्ट टाइम एसओपी में रिप्रेजेंट किया था मेन टर्म्स के फॉर्म में, और सेम एक्सप्रेशन को आपने पीओएस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया मैक्स टर्म के फॉर्म में। तो आपको दिख रहा है कि सर जो मेन टर्म्स हैं उसमें वैल्यू है 1 4 5 6 7, फाइव मेन टर्म्स प्रेजेंट है किसमें? मेन टर्म्स। लेकिन जब मैं मैक्स टर्म की बात कर रहा हूं तो यहां पे है 0 2 3। सर ये तो वही दिख रहा है क्या? सेम एक्सप्रेशन है, और ये हो गया मीन टर्म्स के फॉर्म में, ये हो गया मैक्स टर्म के फॉर्म में, ये हो गया अपने पास एसओपी स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये पीओएस स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आ रही बात? आप देखो कि बीच में मैंने यहां पे इंटू लगाया है, तो जो मीन टर्म्स में यहां पे प्रेजेंट नहीं है वो मैक्स टर्म में आएगा, और जो मैक्स टर्म में प्रेजेंट नहीं है वो मीन टर्म्स में आएगा। अगर मैं इसको देखूं तो सर यहां पे जीरो नहीं है, टू नहीं है और थ्री नहीं है, तो वो मैक्स टर्म में आपको दिख गया। सेम एक्सप्रेशन है, सेम एक्सप्रेशन, ये एसओपी और ये पीओएस फॉर्म, ठीक है? समझ में आ रही बात? दोनों एक ही इक्विवेलेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, बस रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे फर्क है। तो इसको आप पूरा नोट कर लो, समझ में आ गया होगा आपको। देखो जो भी आपके डाउट्स हैं पूछ सकते हैं।
सारी चीजें आप लोग क्लियर हो गई हैं, एक बार कमेंट कर देंगे सारी चीज, कहीं पे भी कोई भी डाउट, इसके बाद मैं थोड़े क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ठीक है? तो आप पूछ लेना जो भी डाउट है, सभी आपके सामने लिखा हुआ। इसका मतलब इस पूरे कंक्लूजन में मैं बोल सकता हूं कि ए कॉमा बी कॉमा सी ये हो गया समेशन ऑफ एम 1 4 5 6 7, और इसको हम लिख सकते हैं पाई ऑफ कैपिटल एम मतलब मैक्स टर्म के फॉर्म में 0 2 3। ये दोनों एक ही चीजें हैं, इसको आप लिख लो बढ़िया सा बॉक्स बना के इस क्वेश्चन के लिए। और आप लोग कमेंट करो समझ में आ गया सभी को। ठीक है, लिखा आपने इसको, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन लगाते हैं जो अपने गेट एग्जाम में आए हुए हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं आप एक बार देखना, इसके बाद हम लोग फिर के मैप स्टार्ट कर देंगे। फॉर गिवन बूलियन फंक्शन मिनिमाइज्ड पीओएस एक्सप्रेशन, फंक्शन गिवन है आपको ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी बार, ठीक है? और इसके ऑप्शन में मैं लिखवा देता हूं एफ ऑफ बी प्लस सी बार ए प्लस सी बार बी बार प्लस सी ए बार प्लस सी, ऑप्शन सी अपने पास है बी बार प्लस सी और ए प्लस सी बार, ऑप्शन डी है सी बार प्लस ए बी सी। सो जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लो। ठीक है,
लिखा आपने क्वेश्चन? सो वैभव का आंसर आ गया यार, मस्त ए ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया वैभव, ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। देखो अब इसको सॉल्व किया जाए मस्त से तरीके से सॉल्यूशन। तो आपको दिखा है कि सर यहाँ पे तीन वेरिएबल्स हैं, तो ये जो लिखा हुआ है दिस वन, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है आपको पता होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे मिनिमाइज्ड करना है इसको पीओएस फॉर्म में। मिनिमाइज्ड करने का मतलब मैंने आपको बताया था सर, मिनिमाइजेशन का मतलब है कि जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है उसके नंबर ऑफ लिटरल्स को आप रिड्यूस करोगे, ऐसा ही होगा ना, ठीक। अब यहाँ पे आपको चार ऑप्शन गिवन है, आप मुझे एक बात बताओ सर, आपको चाहिए पीओएस एक्सप्रेशन है ना, ये चाहिए आपको, क्या ऑप्शन डी कभी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो सकता है किसी भी वे से? सर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये अपने आप में एक एसओपी फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और बाकी जो बचे हुए तीन है वो पीओएस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ऑप्शन डी तो यही पे कैंसल आउट हो गया, खत्म, एलिमिनेट हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको एफ। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो यहां से अगर मैंने कुछ कॉमन निकाला, देखो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म ए बार और सी बार, बी बार प्लस बी, उसके बाद यहां से मैंने ए बी बार सी बार, यहां से कॉमन लिया ए बी सी प्लस सी बार, तो हो जाएगा ए बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी बार प्लस ए बी, यहां तक पहुंच गए। आप क्या कर सकते हैं, ए सी बार प्लस ए कॉमन लिया तो बच गया बी, बी बार सी बार प्लस बी, फिर ये हो गया ए बार सी बार, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई किया मैंने तो बी प्लस बी बार और बी प्लस सी बार, तो सर बी प्लस बी बार कितना हो गया सर, वन हो गया, तो बचा अपने पास ए बार सी बार ए और बी प्लस सी बार, दैट मीन्स ए बार सी बार ए बी और ए सी बार, फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म से आपने सी बार कॉमन लिया तो बचा ए बार ए प्लस ए बी, आप पहुंच चुके हो आंसर की तरफ बस, तो ये हो जाएगा c बार प्लस ए बी, ये आंसर अपना। लेकिन किस फॉर्म में दिख रहा है आपको सर, ये मिनिमाइज्ड फॉर्म में और नॉर्मल एसओपी फॉर्म है, लेकिन इसको हमको रिप्रेजेंट करना है पीओएस फॉर्म में, तो आप क्या करोगे, आप इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दो c बार प्लस ए और ये हो जाएगा c बार प्लस बी, दैट मीन्स सिक्वेंस वाइज आप इसको लिख सकते हो ए प्लस सी बार अकॉर्डिंग टू आवर ऑप्शन और बी प्लस सी बार, दैट मीन्स ऑप्शन ए ये, और अब ये बन जाएगा अपने पास जो आंसर आ रहा है वो है नॉर्मल पीओएस फॉर्म, बस और कुछ नहीं था क्वेश्चन में। नोट कर लिए, यार आप लोग कमेंट नहीं करते पता है, फास्ट कमेंट नहीं करते आप लोग,
ये देख लो आप लोग, पी क्यू क्यू आर पी आर और यहां पे क्यू आर, ये फिगर की वजह ना लॉजिक डायग्राम। और इसके बाद एक और भी है, इसके बाद अपने पास ये हो गया एफ, और इसी का एक्सप्रेशन अपने को फाइंड करना है। ऑप्शन है अपने पास क्यू प्लस आर बार, ऑप्शन बी पी प्लस क्यू बार, ऑप्शन सी पी प्लस आर बार, और ऑप्शन डी है पी प्लस क्यू प्लस आर होल बार। चलो तो आंसर लेके आते हैं इसका। सबसे पहले आपको दिख रहा है यहां पे है P प्लस क्यू होल बार, यहां पे है Q प्लस आर होल बार, यहां पे P प्लस आर बार और Q प्लस आर बार, ठीक है। तो मैं यहां पे इसको एज्यूम कर लेता हूं कि लेट सपोज ये F1 है और ये F2 है, तो F1 का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो ये हो जाएगा P प्लस क्यू होल बार और Q प्लस आर होल बार होल बार। कौन सा ऑपरेशन है सर? नॉर ऑपरेशन, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा P प्लस क्यू बार होल बार डॉट Q प्लस आर बार होल बार, दैट मीन्स P प्लस Q और Q प्लस आर। इसको आगे सॉल्व किया जाए तो F1 आपको मिलेगा पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस पी आर और क्यू आर, तो F1 इक्वल टू हो गया सर पी क्यू खत्म, क्यू बच रहा है और यहां से पी आर प्लस क्यू आर। अगर मैंने फर्स्ट टू टर्म्स में Q कॉमन लिया तो हो जाएगा Q 1 प्लस पी, फिर यहां पे सर ये पी आर प्लस क्यू आर, फिर हमने कॉमन लिया Q, ये बच गया अपने पास, ठीक, और ये 1 हो गया, Q बच रहा है, अब पी आर प्लस क्यू आर। अब कॉमन आप क्या ले सकते हो, Q कॉमन ले सकते हो, तो मैंने यहां से Q कॉमन लिया लास्ट और फर्स्ट टर्म से, तो Q प्लस पी आर आप यहां तक पहुंच चुके हो। समझ में आ गई बात, ये हो गया F1। अब आते हैं F2 के लिए। अब ध्यान दो यार, अब ध्यान दो सर, पूरा जो लॉजिक डायग्राम है उसमें एक ही टाइप का गेट लगा हुआ है, और वो कौन सा गेट है सर? नॉर गेट लगे हुए हैं, ठीक है। अभी मैंने जब इसको सॉल्व किया ये अपर पार्ट को, तो उसका एक्सप्रेशन क्या मिला सर? Q प्लस पी आर, ठीक है। तो मुझे सेकेंड को सॉल्व करने का नीड नहीं है। आप देखो ध्यान से, यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है, पैटर्न क्या है सर? पी क्यू क्यू आर, दो इनपुट जो थे वो Q सेम थे, तो आपको मिला Q प्लस पी आर। अब आप खुद बताओ सर F2 क्या मिलेगा? सर F2 में पी आर और क्यू आर है, तो मैं यहां पे डायरेक्टली लिखता हूं सर R प्लस पी क्यू, बस बात खत्म। समझ में आ गई क्या बात? R प्लस पी क्यू। अब इन दोनों का फाइनली अपने को करना है F1 प्लस F2 का नॉर ऑपरेशन, ठीक।
तो यहां पे हो जाएगा q प्लस पी आर प्लस आर प्लस पी क्यू होल बार। चलो इसको सॉल्व कर लिया जाए। अगर मैंने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से q कॉमन लिया तो बचेगा 1 प्लस पी। ध्यान से देखते रहना आप लोग क्या कर रहा हूं मैं। उसके बाद अगर आपने r सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म से r कॉमन लिया तो बचेगा 1 प्लस पी और होल बार है ना, ध्यान रखना बार भी लगा हुआ है। तो f इज इक्वल टू ये हो जाएगा q प्लस r होल बार 1 प्लस पी 1 प्लस पी दैट विल ऑलवेज बी 1 दैट मींस ऑप्शन ए। बड़ा आसान क्वेश्चन था ये, कुछ दिक्कत आप लोगों को नहीं हुई होगी। सो ऑप्शन ही आ गया अपने पास, ठीक। चलो हम नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं किसके लिए, सर इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइजेशन के लिए आप देखे होंगे दो क्वेश्चन मैंने आपको बताए और ये दो क्वेश्चन में आप कौन सा बूलियन लॉ यूज कर रहे थे। सभी जगह पे बूलियन लॉ यूज किया आपने, चाहे वो एंड लॉ हो और लॉ हो या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो सारे कुछ या कमोडिटी लॉ, जो भी आपने लॉ यूज किया आप इसने मिनिमाइज किया आप लोगों ने, ठीक। अभी हम लोग के मैप की बात करने वाले हैं, लेकिन के मैप को पढ़ने के पहले आपको एक कोड पता होना चाहिए और एक कोड तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसका नाम है बाइनरी कोड। इसका बात हम कर चुके हैं ना कि किसी भी नंबर को अपने बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है सर कि ग्रे कोड की, क्योंकि के मैप में जो सेल्स में नंबरिंग होती है वो ग्रे कोड यूज करते हैं हम। वहां क्या यूज करते हैं? ग्रे कोड, ठीक है। देखो यहां पे आप लोगों को बोर्ड ब्लर हो रहा है क्या काफी, बताओ तो। सब प्रॉपर दिख रहा है ना? थोड़ी बोर्ड की दिक्कत हो रही है ना, आज कुछ ज्यादा ही हो रहा है। बीच बीच में हो जाता है, ठीक। चलो बीच बीच हो रहा है, थोड़ा आप लोग कॉपरेट करके चलना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ ग्रे कोड, ठीक। तो ग्रे कोड कैसे देखते हैं, तो आपको क्या पता है, आपको बाइनरी कोड के बारे में पता है, ठीक है। तो जो आपको पता है तो उसमें आपको बेंचमार्क लेते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखने वाला हूँ फर्स्ट नंबर और वो है बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर, ठीक है। ये पूरे कोड्स की बात मैं यहाँ पे थोड़े क्लास के बाद करूंगा, वो उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होता है, पहले बता दूं। इसको मैं कॉम्बिनेशन जब स्टार्ट करूंगा तब आपको बताऊंगा, मतलब कोड्स कौन कौन से, वेटेड कोड, पॉजिटिव वेटेड कोड, नेगेटिव वेटेड कोड, ग्रे कोड, ग्रे कोड की हम बात अभी कर लेंगे। एस एक्स थ्री कोड क्या होते हैं, 8421 कोड क्या होता है, 2421, 5211, ये सब मैं डिटेलिंग करूंगा आप लोग को जब ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक हो जाएगा ना केम है उसके बाद, ठीक। कॉम्बिनेशनल सर्किट स्टार्ट करने के पहले, सो बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर ये मैंने लिखा हुआ है। इसका कुछ एग्जांपल लिखते हैं, इसको हटा दूं, ये वर्ड को मतलब नहीं है। एग्जांपल, सो मैंने लिखा 1101011, ये तो ये अभी अपने को बाइनरी में गिवन है, ठीक है। तो ग्रे कोड लिखने का जो तरीका होता है इसको आप लोग ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। 1101011, ये मैंने आपको लिख के बताया ये कौन है, भी फिलहाल ये बाइनरी पे।
तो जब इसको आप चेंज करोगे तो पहले तो ये जो एमएसबी बिट आपके पास गिवन होगा उसको आप कॉपी कर दो। ठीक, कॉपी करने के बाद एडजेसेंट बिट्स का एक्सऑर ऑपरेशन, 1 का 1 के साथ एक्सऑर ऑपरेशन क्या मिलेगा सर? 0 मिलेगा। ठीक है, फिर 1 का 0 के साथ एडजेसेंट बिट का एक्सऑर ऑपरेशन तो आपको मिलेगा सर 1 और 0 का एक्सऑर 1। फिर 0 और 1 का एक्सऑर ऑपरेशन एडजेसेंट बिट का आपको मिलेगा सर 1। 1 का 0 के साथ एक्सऑर ऑपरेशन आपको मिलेगा 1। 0 और 1 का एक्सऑर ऑपरेशन आप करोगे तो आपको मिलेगा सर अगेन 1। और 1 का एक्सऑर ऑपरेशन आप करोगे तो आपको मिलेगा सर 0। अब ये जो लिखा हुआ है कोड, ये हो गया ग्रे कोड में कन्वर्ट। समझ में आई क्या बात? बताओ तो, ग्रे कोड में ये कन्वर्ट हो गया। जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वैसे ही आप ये पूरा फिगर वाइज आप लोग अपने कॉपी में भी नोट करना, कभी आप भूल गए तो आपको याद आ जाएगा। इसको देखते हो, आपके नोट्स ऐसे ही होने चाहिए। ठीक, अभी मैं क्या कर रहा हूं कि मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूं और मैंने सेकंड नंबर में लिखा क्या सर, ग्रे कोड टू बाइनरी कोड। ठीक है, ये देखो चेंज कर रहा हूं मैं, ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्जन। और सेम एग्जांपल में लेने वाला हूं, सेम एग्जांपल कौन सा? ये सर 1011111 और ये लास्ट में 0। अभी ये किसमें लिखा हुआ है सर? ये ग्रे कोड की बात हो रही है ना? ये देखो सेम एग्जांपल जो आया आंसर उसी को मैंने क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, अब आप लिखो 1011110। मैं एक बार बताऊंगा आपको, ध्यान से देख लेना। ठीक है, देखो सबसे पहले आपने क्या किया कि ये जो लिखा हुआ है 104 टाइम्स 1 और 0, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी कोड में। ये ग्रे कोड में अभी अपने पास, तो आप क्या करो कि आप पहले तो फर्स्ट बिट को हमेशा कॉपी करो। ठीक है, चाहे आप बाइनरी से ग्रे में जाओ या ग्रे टू बाइनरी में जाओ, ऑलवेज एमएसबी बिट जो होगा, फर्स्ट बिट जो होगा वो कॉपी होगा। ठीक, सेम रूल। अब आपको क्या करना है कि अब जो आंसर आया है, मतलब ये जो कॉपी किए हैं, उसका आप यहां पे एक्सऑर ऑपरेशन करोगे तो 1 और 0 का एक्सऑर ऑपरेशन आपको मिलेगा 1। कोई दिक्कत नहीं। फिर जो आंसर आया है आप इसके साथ इसका एक्सऑर ऑपरेशन करोगे, 1 और 1 का एक्सऑर ऑपरेशन आपको मिलेगा 0। बढ़िया सा मस्त तरीके से एरो बनाना, स्केल स्केल यूज कर लेना आप लोग, अच्छा दिखेगा कॉपी में। ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब 0 और 1 का एक्सऑर ऑपरेशन ये आपको मिलेगा सर 1। फिर 1 और 0 का एक्सऑर ऑपरेशन, 1 और 1 का एक्सऑर ऑपरेशन आपको मिलेगा सर 0। 0 और 1 का एक्सऑर ऑपरेशन आपको मिलेगा 1। ठीक, उसके बाद 1 और 0 का एक्सऑर ऑपरेशन आपको मिलेगा 1। और ये जो है अपने पास, अब ये कन्वर्ट हो गया, ये अपने पास कन्वर्ट हो गया किसमें? बाइनरी में। ठीक, तो हम लोगों ने क्या किया है, जब हम लोग बाइनरी से ग्रे में जा रहे हैं तो आप फर्स्ट बिट कॉपी कर रहे हो और आप एडजेसेंट बिट्स का एक्सऑर ऑपरेशन करके आप लिखते जा रहे हो। जब आप ग्रे से बाइनरी कोड में जा रहे हो तो आप फर्स्ट बिट कॉपी कर रहे हो पहले जैसा ही, उसके बाद जो आ रहा है कॉपी करके उसका इस नेक्स्ट बिट के साथ एक्सऑर, फिर जो आ रहा है उसका नेक्स्ट बिट के साथ एक्सऑर, बस करते जाओ आंसर आ जाएगा। ये हो गया ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्जन। नोट करने के बाद आप लोग कमेंट कर देना। यहां से क्वेश्चन आपकी आईएएस की ऑब्जेक्टिव में आता है, आईएएस का ऑब्जेक्टिव, अगर आप आईएएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से आते हैं, अदरवाइज गेट में इतने सिंपल क्वेश्चन की उम्मीद आप नहीं है। मैं नहीं बोल सकता कि यहां से क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसके जो कॉन्सेप्ट है वो आगे यूज होंगे, लाइक के मैप में यूज होने वाला है। ठीक है, समटाइम्स ये भी आता है कि किस लॉजिक डायग्राम से हम लोग, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे और लॉजिक डायग्राम मतलब आपको पूरे फिगर गिवन होंगे और उसमें आपको ये चेक करना है कि ये कौन सा कन्वर्टर है, ये बाइनरी से ग्रे कोड कन्वर्टर है कि ग्रे टू बाइनरी कन्वर्टर है या और भी कन्वर्टर अपने को पढ़ने आगे जाए, अभी नहीं। ठीक है, चलो ना कमेंट करो, बताओ तो, नोट कर लिए क्या?
ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम नोट करने वाले हैं, और ये है कार्नोफ मैप। के मैप, ठीक है। सो लिखेंगे आप लोग के मैप के बारे में, कुछ लिखते हैं, नोट करो आप लोग के मैप के बारे में। के मैप प्रोवाइड्स द मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन के मैप प्रोवाइड्स मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन बट नॉट नेसेसरली यूनिक, बट नॉट नेसेसरली यूनिक। ठीक है, तो आपने क्या लिखा है, के मैप प्रोवाइड्स मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन। तो आपको तो पता ही था ये कि मैप क्यों यूज करने वाले हैं, बूलियन एक्सप्रेशन को यहाँ पे मिनिमाइज करने के लिए। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको लिखी हुई है, नॉट नेसेसरली यूनिक। ठीक, तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं क्या कि जो हम लोगों ने बुलियन लॉज यूज किया था मिनिमाइज करने के लिए, मिनिमाइजेशन मतलब नंबर ऑफ लेटर्स को आप रिड्यूस कर रहे हो, ठीक है, तो आप किसी भी स्टेप में किसी भी जगह पे आप बुलियन लॉज यूज कर सकते हो। दो तीन मैंने क्वेश्चन लिए थे आपको बताया था, और वैसे ही के मैप से भी जो आंसर अपने को मिलेगा, जो मिनिमाइज्ड फॉर्म में एक्सप्रेशन आपको मिलेंगे, वो यूनिक नहीं हो सकते हैं। हो सकता है कि सेम क्वेश्चन के लिए आपका और मेरा आंसर डिफरेंट हो, आप भी सही किए हो मैं भी सही किया हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर डिफरेंट हो सकते हैं। अब वो कैसे होंगे आप लोग को आज और कल ये पता चलते जाएगा, ठीक है। हर एक वो एग्जांपल लूंगा, आपको ये टॉपिक मस्त होगा डेफिनेटली। ठीक, चलो कार्नोफ मैप में हम बात करने वाले सबसे पहले टू सेल्स के लिए, मतलब मैं यहां पे बात करने वाला हूं टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स या आप बोल सकते हो टू इनपुट्स, जो भी आपको बोलना है ये। और मैंने लिया ए कॉमा बी, ठीक। आप सीक्वेंस देख रहे होंगे, सीक्वेंस आपके सामने क्या लिखा हुआ है सर, ए कॉमा बी के फॉर्म में। तो मैंने आपको हमेशा कहा ही है कि अगर फंक्शन मेरे पास है, फर्स्ट नंबर में ए है, तो ये हो गया एमएसपी और ये हो गया अपने पास एलएसबी, क्योंकि आपका इंपॉर्टेंस अब बढ़ चुका है कि आप किसको एमएसबी ले रहे हो, किसको एलएसबी ले रहे हो। अब ये लास्ट तक पूरे सिक्वेंसर सर्किट तक चलता रहेगा, ये पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तक चलता रहेगा, एमएसबी एलएसबी डिसाइड करना, ठीक है। पहले ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना हम लोग पढ़ लिए थे। सो दो वेरिएबल्स की बात हो रही है, तो जो के मैप अपने पास बनेगा, तो एक बात आप मुझे बताओ सर, अपने पास एन अगर नंबर ऑफ इनपुट्स है या नंबर ऑफ बिट्स है या इनपुट्स, या आप कह लो इसको वेरिएबल्स। देखो सर मैंने लिख दिया, तो अगर इससे अपने को नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस तैयार करने हैं, तो ये होता है टू पावर एन। तो अभी दो वेरिएबल है, तो टू पावर टू मतलब चार कॉम्बिनेशंस यहाँ पर तैयार होंगे। अब वो चार कॉम्बिनेशन के लिए अपने पास फोर सेल्स होने चाहिए। तो देखो ये हो गया अपने पास फोर सेल्स, ये सो ये हो जाएंगे अपने पास ए बार और ये ए, ठीक, ये आपने लिखा। तो जैसे आप यहां पे लिख रहे हैं ए और बी को, तो मैंने आपको क्या बोला था, जो के मैप है ना, तो जो के मैप है उसमें हम लोग यूज करते हैं ग्रे कोड, ठीक। तो यहां पे मैं अगर बाइनरी के फॉर्म में लिखता हूं ए और बी को, ध्यान से देखना आप लोग, ए और बी को, तो आपका सीक्वेंस क्या होता है सर, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, यही होता है ना, ठीक। अगर मैं इसको डेसिमल इक्विवेलेंट के फॉर्म में लिखता हूं, तो आप इसमें डेसिमल अगर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 0 1 2 3, इस तरीके से। अभी मैं इसी को कन्वर्ट कर रहा हूं ग्रे कोड में, इसी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं ग्रे कोड में, तब ए और बी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना आप लोग, पहला बिट 0 0 1 1, पहला बिट तो कॉपी हो गया ना, 0 0 ग्रे कोड क्या होगा अपने पास सर, 0 और 0 का अपने पास होता है एक्सओआर ऑपरेशन 0, बात खत्म। 0 1 का एक्सओआर ऑपरेशन सर 1, 1 0 का एक्सओआर ऑपरेशन बताओ सर 1, ये, और 1 का XOR ऑपरेशन सर 0, समझ में आ गई बात। अब इसी को मैं अगर डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं, यह जाएगा 0 1 3 और ये 2, ठीक, ये सीक्वेंस पूरा चेंज हो गया यहाँ पे। तो ए बार और ये ए मैंने लिखा हुआ है 0 और ये 0, ठीक। उसके बाद मैं यहां पे लिखूंगा बी बार और ये बी, तो ये जो सेल है
ए बार शो कर रहा है जीरो को और ए जो है ये अपने पास हो गया वन, ठीक, और ये जीरो और ये वन। जब आप सेल्स को फिलिंग करोगे तो सबसे पहले एमएसबी आएगा, वो जो जीरो है, जीरो और ये जीरो, फिर सर जीरो और वन, जीरो और वन, ठीक, फिर सर वन जीरो, वन जीरो, वन वन, ये हो गया। तो ये हो गया अपने पास सर जीरो नंबर का सेल, ये हो गया वन नंबर का, ये टू नंबर का और ये थ्री थर्ड नंबर का अपने पास सेल हो गया, ठीक। टू वेरिएबल्स के लिए के मैप तैयार हो गया। ठीक है, लिखा आपने, जीरो वन टू थ्री के, तो ये तो आसान है बहुत। अब हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं थ्री वेरिएबल्स के लिए। तो थ्री वेरिएबल्स मैं यहां पे लाने वाला हूं अब सी को, ठीक है। अब सी यहां पे बनेगा क्या, एलएसबी, मैप मैं यहां से हटाने वाला हूं, नोट कर लिए होंगे आप लोग। थ्री वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो अपने पास कितने कॉम्बिनेशंस होंगे, थ्री वेरिएबल्स के एट कॉम्बिनेशंस, मतलब जो सेल्स यहां पे होंगे एट सेल्स का बनेगा के मैप। ये देखो एट सेल्स के मैप कैसे दिखेंगे, ये इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें जो अपन सेल्स की फिलिंग करेंगे तो ये होगा ग्रे कोड पे, कैसे होगा। अब देखो अगर मैंने बाइनरी कोड लिखा हुआ है, बाइनरी कोड ये, सो बाइनरी कोड है अपने पास ए कॉमा बी और ये सी, ठीक, तो जीरो 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 वन जीरो वन जीरो जीरो वन 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 डबल जीरो वन जीरो वन 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 जीरो वन वन वन, ठीक। अब इसको मैं चेंज करने वाला हूं ग्रे कोड में, ठीक, ग्रे कोड में ये आपको दिखेगा ए बी और सी के लिए फर्स्ट बिट तो कॉपी होंगे जो फर्स्ट बिट है और वन 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 वन। जीरो जीरो का अपने पास कितना आएगा सर, जीरो जीरो का जीरो, फिर ये जीरो, फिर ये जीरो, फिर ये वन, जीरो वन का वन, फिर ये भी वन, फिर ये सर ये वन, फिर ये जीरो, दिस वन वन, फिर ये जीरो, वन जीरो का वन और ये वन, ये जीरो और ये वन, ये सर ये जीरो और ये भी जीरो, ठीक। ग्रे कोड हम लिख लिए। अब ग्रे कोड में जब नंबरिंग आप देखोगे तो बाइनरी पे अपने को तो पता है कि ठीक है ये अपने पास दिख रहा है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये सीक्वेंस होने वाला है। लेकिन जब मैं ग्रे कोड के डेसिमल इक्विवेलेंट की बात करता हूं ये, तो ये हो जाएगा जीरो वन थ्री टू और ये सिक्स सेवन और ये वन जीरो वन क्या हो गया फाइव और ये फोर, ठीक है, ऐसे कुछ होगा। सीक्वेंस को ध्यान से देखना आपको। तो मैंने यहां पर लिया हुआ है सर ए और ये हो गया बी एंड सी, ए बी सी थ्री वेरिएबल्स, मैं यहां पे लिखूंगा ए बार और ये हो जाएगा ए बार और ये ए, ये जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वन को, ठीक है। मैं साथ में आपको ग्रे कोड पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, ओके। अब बारी आती है सर कि बी और सी को अपने को यहां पे रिप्रेजेंट करना है। तो आप अपने चेक करो कि मैंने दो दो इनपुट के लिए मैंने आपको भी टेबल बनाया था बाइनरी का और ग्रे का, याद है, चेक करो उसमें क्या लिखा हुआ था। सीक्वेंस कुछ इस तरीके से था सर, जीरो 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 वन 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 और वन जीरो, याद आया ऐसा सीक्वेंस था। तो यही सीक्वेंस आएगा दो वेरिएबल में, तो इसको लिखेंगे हम जीरो 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 वन 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 और वन जीरो, ठीक है। इसका मतलब सर बी बार सी बार और ये बी बार सी और बी सी बार, आप देख सकते हैं सीक्वेंस लिखा हुआ है जो कि ग्रे कोड में बना हुआ है। समझ में आ गई पूरी बात, ठीक है। तो ये हो गया दो वेरिएबल के लिए ग्रे कोड आप लोगों ने बनाया था, इसको मैंने लिख दिया। अब सेल्स की फिलिंग करते हैं, जीरो जीरो जीरो, फिर जीरो जीरो वन जीरो वन वन जीरो वन जीरो,
यहाँ पे सर 0100101111110 यहां तक हो गया 0 1 3 2 4 5 7 और ये 6 ये आपने लिख लिया। आप देखोगे नंबरिंग यहाँ पे एक्चुअल में होनी चाहिए थी सेल्स की नंबरिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा होना चाहिए था, लेकिन कैसा है ये सर, ये ग्रे कोड के फॉर्म के कारण है ये 0 1 3 2 4 5 7 6। कई लोगों को ये पता नहीं होता कि सर ये सीक्वेंस सेम क्यों नहीं होता है, मतलब ये सीक्वेंस वाइज क्यों नहीं होता है, बाइनरी के अकॉर्डिंग डेसिमल जब लिखते हैं हम लोग, तो ये इसका रीजन जो है वो ग्रे कोड है। ठीक है, ये नोट करते हैं आप लोग सभी, ये सेल्स नंबर हो गए और ये सेल्स की फिलिंग हो गई यहाँ पे। ठीक, लिखे आप लोग। तो आप एक चीज ध्यान दे रहे होंगे, जो मेरे पास जीरो लॉजिक लिखा हुआ है वो मैं इसको कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और जो वन लिखा हुआ है वो है सर नॉर्मल फॉर्म। और ये जो फॉर्म है हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं सर, हम लोग यूज करते हैं एसओपी फॉर्म। तो मैंने जो अभी के मैप बनाया हुआ है वो किसका फॉर्म है सर, ये एसओपी फॉर्म का के मैप बना हुआ है। पीओएस फॉर्म का भी होता है ना, अभी उसको करेंगे हम लोग पीओएस फॉर्म के लिए। ठीक, अब मैंने यहाँ पे एक और के मैप लिया, ध्यान से करें ना, बहुत वैरायटी इसमें, जो हम लोगों ने अपने कॉलेज में पढ़ा है वो तो ऐसे ही है पास करने के लिए, बहुत वैरायटीज हैं, ध्यान से देखना। मैंने क्या किया कि मैंने इसको बी ली, इसको सी लिया और यहां पे लिखा ए बी, ये। तो आप एक चीज ध्यान देना मेरी बात को, ध्यान सुनना आपको, जब मैंने यहाँ पे बात किया ए बी सी, ये मेरा सिक्वेंस है, इनपुट का सिक्वेंस कैसा है सर ए बी सी, ये सिक्वेंस है ना इनपुट का, तो आप यहाँ पे ए बी सी ये सीक्वेंस में आप जा रहे हो, मतलब आप इस एरो को फॉलो कर रहे हो। ये सर एरो को अगर बोलो कि कहीं ना कहीं आपको क्या दिख रहा है, आपको एक हॉरिजॉन्टल वे पे दिख रहा है, सभी को दिख रहा है ना ये, देखो यहाँ पे आपके डाउट्स बताऊंगा मैं ग्रे कोड क्यों लेते हैं। देखो ए बी सी इसका जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टली, तो ये जो सेल्स की फीलिंग होगी जिस सीक्वेंस में होगी वो हॉरिजॉन्टल फील होगा, 0 1 3 2 4 5 7 6 ये हॉरिजॉन्टल फील। लेकिन अब मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल लिखा हुआ है सेल्स के लिए वो है सी, यहाँ पे लिख दिया मैंने और ए भी यहाँ पे लिख दिया। सर ये एरो आप ऐसे क्यों बना रहे हो, क्योंकि जब आपके पास फंक्शन में जो सीक्वेंस लिखा है वही आपकी पत्थर की लकीर हो गई है, वही आपको पूरे क्वेश्चन में थ्रू आउट दी क्वेश्चन आपको यही सीक्वेंस को फॉलो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, समझ में आ गई की बात। तो मैंने यहाँ पे एरो जो बनाया वो है ए बी सी के लिए। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा सर, 0 और 1 मतलब सी बार और ये सी। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा सर, 0 0 0 1 1 1 और 1 0। ठीक है, ये मैं बताऊंगा आप लोगों को क्यों हम लोग ग्रे कोड यूज करते हैं, पहले पूरा डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, टाइम कम है अपने पास। तो ये देखो अब बारी आती है सर सेल्स को फिल करने का, सेल्स को फिल करने का, कैसे फिल करेंगे हम लोग सर, हमेशा हम लोग को इनपुट के सीक्वेंस को फॉलो करना है। छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोग को लग रहा हो सर ये पता है कोई दिक्कत नहीं आप आगे बढ़िए, नहीं मैं उसी स्टाइल से पढ़ाऊंगा जो स्टाइल मुझे पसंद है, क्योंकि छोटी छोटी बातें छुप जाती है तो वो क्वेश्चन में दिक्कत करती है। ठीक, देखो अब सर सीक्वेंस है ए बी सी का, तो पहला कौन आएगा यहाँ पे 0 0 0 ए बी सी, नेक्स्ट क्या आएगा सर 0 1 0 0 1 0, नेक्स्ट क्या आएगा 1 1 0, समझ में आ गई मेरी बात। अब यहाँ पे 0 1 0 सर 0 1 0 ये आ गया। ठीक, यहाँ पे सर सॉरी 1 1 0 और यहां पे हो गया 1 0 1 1 सॉरी यहां पे आ गया 1 0 0, यहां पे देखो सर 0 0 1 और ये 0 1 1 1 1 1 और यहां पे 1 0 1, सेल्स को फिल करो 0 ये 2 ये सर ये कितना हो गया सर, ये तो 6 हो गया यार, गजब हो गया यहां पे, तो यहां पे सर ये 4 है, यहां पे सर ये 1, यहां पे 3
फिर ये देखो इसको थ्री के बाद सेवन आ रहा है, फिर यहां पे सिर्फ फाइव आ रहा है। ठीक, जब आप यहां पे सेल्स में नंबरिंग कर दिए, आपने सेल्स को फिल किया, जब आप नंबरिंग कर रहे हो तो आप ध्यान दो ऊपर वाले को पहले, एरो किस तरफ है सर, हॉरिजॉन्टल वे पे है, तो 0 1 3 2 4 5 7 6 हॉरिजॉन्टल फील हुआ। जब आप यहां पे इस वाले पार्ट में वेरिएबल्स को आपने एक्सचेंज किया उसके प्लेस को ए बी सी, तो एरो किस साइड है सर, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे एरो, इसमें डाउनवर्ड है ना, तो ये देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 कैसे फील हो रहा है सर, सर डाउनवर्ड फील हो रहा है। ये पूरा यहाँ पे डिपेंड करता है आप इसमें एरो किस तरीके से ले रहे हो। समझ में आ गया कि मेरी बात, बताओ यस और नो, समझ में आया क्या आपको? ठीक, तो एसओपी की बात हो चुकी है, अब अपन बात करते हैं थ्री वेरिएबल्स का की मैप फॉर पीओएस फॉर्म, है ना, देखो मजा आएगा आपको। सो ये मैंने लिखा पीओएस फॉर्म, सर पीओएस फॉर्म में आपको पता है कि आप यहां पे जीरो को नॉर्मल फॉर्म पे काउंट करते हैं, इसको मैं टॉप में लिख देता हूं पीओएस फॉर्म। ठीक, तो जीरो जो है नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा और वन जो है कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। ठीक, ये के मैप बना रहे हैं। ए बी सी एट सेल्स बन गए, यहां पे हम क्या लिखते हैं जीरो और वन, ये लिखते हैं ना सर, जीरो को हम लोग पीओएस में रिप्रेजेंट करते हैं ए से और वन को रिप्रेजेंट करते हैं ए बार से। ठीक, यहां पे सर जीरो 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 वन 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 जीरो, ये सीक्वेंस तो वैसे ही रहेगा ना, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, ग्रे कोड में लिखा हुआ है। अब मैं लिखूंगा बी प्लस, सर पीओएस फॉर्म आप लिखने जा रहे हो याद रखना, ठीक है पीओएस फॉर्म, ये एसओपी फॉर्म था, तो एसओपी फॉर्म में क्या होता है सर, प्रोडक्ट टर्म्स होते हैं, ये देखो बी और सी का प्रोडक्ट हुआ था, ए और बी का प्रोडक्ट हुआ था, लेकिन जब मैं पीओएस फॉर्म की बात करता हूं तो वेरिएबल्स का सम होने वाला है, मतलब मैं लिखूंगा बी प्लस सी, जीरो जीरो मतलब नॉर्मल फॉर्म, बी प्लस सी बार, बी बार प्लस सी बार, और ये बी बार प्लस सी, तो बढ़िया हो गया। ठीक, सेल्स की फिलिंग करते हैं, जीरो 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 वन, सेल्स की फिलिंग तो वैसे ही होगी ना, एरो को फॉलो करो ए बी सी, जो एरो आपको गिवन है फंक्शन, ये मैंने सब बता दिया आपको वहां पे। ठीक है, 0 1 1 0 1 0, फिर यहाँ पे सर 1 00 1 0 1 1 1 1 1 1 0, मतलब 0 1 3 2 4 5 7 6। ठीक, यहां तक पहुंच गए हम लोग। तो ये जो के मैप बना हुआ है इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये टोटली डिफरेंट है, क्यों सर, ये एसओपी फॉर्म है वो पीओएस फॉर्म है, मतलब कि जब आप इस के मैप को यूज करोगे तो आप क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। एक क्वेश्चन मैंने कराया था जिसमें लिखा था सर कि एसओपी फॉर्म है उसको पीओएस में मिनिमाइज्ड फॉर्म में आपको निकालना है, ये दिखा था क्वेश्चन, तो क्वेश्चन भी डिपेंड करेगा कि आप कौन सा के मैप यूज करोगे। वेरिएबल तो ठीक है, थ्री वेरिएबल्स है फोर वेरिएबल्स है, दैट इज ओके, वो तो सिंपल चीज है, लेकिन आप में जो क्वेश्चन में क्या निकालना है किस तरीके से ऑप्शन है उस पर डिपेंड करता है कि आप एसओपी वाला फॉर्म यूज करोगे के मैप ये पीओएस फॉर्म वाला। ठीक, और इसमें मिस्टेक बहुत होता है, हम लोग को आदत हमेशा हम लोग कंफर्टेबल होते हैं एसओपी फॉर्म के लिए, लेकिन आप अब इस क्लास या आगे जो क्लास होगी क्वेश्चन होंगे आप पीओएस फॉर्म में भी कंफर्टेबल हो जाओ, है ना। तो एसओपी फॉर्म में ये ए बार है और ये ए है ना, और यहाँ पे सर ए और ए बार है, क्या है कि अपन जल्दबाजी में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या गेट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम टाइम में, तो यहाँ पे कंफर्म ए बार हम लिख देते हैं, वहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है, जो आता वो क्वेश्चन वहीं पे गया, सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना। अब सेल्स की जो फीलिंग हो रही है वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फील हो रहा है, ये थोड़ा मिट गया, हॉरिजॉन्टल फील हो रहा है 0 1 3 2 4 5 7 6,
इस तरीके से। चलो फोर वेरिएबल्स की बात करते हैं। मैंने लिखा फोर वेरिएबल्स। फोर वेरिएबल्स मतलब जो फंक्शन आपके पास होगा ए बी सी डी, इस सीक्वेंस में फंक्शनों का मतलब ए विल बी एमएसबी और डी विल बी एलएसबी। ठीक, तो यहां पे जब के मैप तैयार करेंगे सो फोर वेरिएबल्स के लिए कितने कॉम्बिनेशंस होंगे सर? 16 कॉम्बिनेशंस होंगे। सो वी हैव रिक्वायर्ड 16 सेल्स ऑफ के मैप। ये देखो 16 सेल्स के मैप, ये सब अवेयर हो गया आप इस टॉपिक से, है ना? सीक्वेंस देखना आप लोग, मैं क्या लिख रहा हूं, ए बी और ये सी डी, ये सीक्वेंस यहां लिख रहा हूं मैं, ए बार बी बार मतलब 0 0 0 0 1 1 1 1 0 ग्रे कोड, यहां पे ए बार बी और ए बी बार और ये ए बी और ये ए बी बार। ठीक, यहां पे मैं लिखूंगा 0 0 0 1 1 1 1 0, यहाँ पे सी बार डी बार सी बार डी सी डी और सी डी। ये कौन सा फॉर्म आप यूज कर रहे हो सर? ये अपने पास एसओपी फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखना, पीओएस भी बताऊंगा अभी। तो ये हो जाएगा 0 1 3 2 4 5 7 6 सेल्स की फिलिंग आप लोग कर सकते हो अब तो आराम से, है ना? ये हो गया 8 9 11 10 और ये 12 13 15 और ये 14। सेल्स की फीलिंग हमेशा इस सीक्वेंस को फॉलो करने से ही होगी, है ना? आप कर सकते हो आराम से। ओके, तो ये बन गया एसओपी फॉर्म। अभी मैं क्या कर रहा हूं कि मैं एसओपी फॉर्म ही लेने वाला हूं, आप समझ रहे होंगे मैं क्या करूंगा। यहां पे मैं इनपुट के जो मैंने लिखा हुआ है के मैप में, उस सीक्वेंस को मैं चेंज कर दूंगा। किसको सर? ये देखिए ए बी और ये सी डी, अभी आपने ये लिखा था, अभी मैं इसी सीक्वेंस को मैं चेंज करूंगा। मैं बोलूंगा यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे सी डी है, तब क्या एरो इस तरफ डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा सी बार डी बार सी बार डी सी डी और सी डी बार, यहां पे ए बार बी बार ए बार बी और ए बी और ए बी बार। ठीक, ऐसे ही होगा अपने पास। तो जब इसको हम लिखेंगे तो आ जाएगा जो सेल्स की फिलिंग होगी, ध्यान रखना सेल्स की फिलिंग कैसे होगी सर? हॉरिजॉन्टल वे पे एरो को आप देखो, ये देखो सेल्स की फिलिंग हो रही है 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 12, ये हॉरिजॉन्टल। अब इसमें क्या होगा? वर्टिकल हो जाएगा, मतलब 0 1 3 2, ठीक है, 4 5 7 6 और यहां पे 8 9 11 10 और 12 13 15 14, कुछ नहीं है। आप इसको एक काम करो, ये समझ लो मैट्रिक्स है, है ना? और 4x4 का मैट्रिक्स है, तो उसमें ये लिखा हुआ है सीक्वेंस में। आप जब ये सीक्वेंस को चेंज करो के मैप में, तो इसका आप ट्रांसपोज ले लो बस। ट्रांसपोज लेने का मतलब क्या होता है यार? रो को कॉलम से एक्सचेंज करते हैं, है ना? ऐसा ही तो होता है। तो ये जो रो में लिखा है ना, ये कॉलम में आ जाएगा और ये जो कॉलम में लिखा है वो अपने पास रो में आ जाएगा, बस एज सिंपल एज दैट। एसओपी फॉर्म। नेक्स्ट हम लोग यूज करते हैं, ये लिख लो आप सब, एसओपी फॉर्म। ठीक है, जल्दी से आप लोग फटाफट नोट करेंगे। और ये हो जाएगा ए बी सी डी। अब मैं यहां पे लिखने वाला हूं पीओएस फॉर्म। ठीक, पीओएस फॉर्म मतलब सर यहां पे हो जाएगा ए प्लस बी, यहां पे a प्लस बी बार, यहां पे a बार प्लस बी बार और यहां पे a बार प्लस बी। ठीक है, यहां पे c प्लस d, c प्लस d बार, c प्लस c बार प्लस d बार और यहां पे c बार प्लस d। सीक्वेंस कैसे होगा सर? 0 1 3 2 ये एरो को फॉलो करो, 4 5 7 6
8, 9, 11, 10 और 12, 13, 15, 14, ये हो गया POS फॉर्म। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग, ठीक है। तो ग्रे कोड हम क्यों यूज करते हैं, अब इसको नोट कर लो। मैंने आपको बता दिया है बाइनरी से कैसे ग्रे कोड में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, और कल जब मिलेंगे हम लोग उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, किस तरीके से इसमें डाउट आता है, क्यों ये मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन तो देता है लेकिन यूनिक नहीं देता है, क्यों ऐसा होता है, सब डिटेल में हम लोग बात करेंगे कैसे मिनिमाइज करते हैं। तो कल की क्लास अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। सभी आप लोग नोट कर लिए तो आप लोग बताना मुझे, फिर हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं, क्योंकि जस्ट मेरी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है 7 o'clock से। और सीक्वेंस को आप लोग ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया था 5 variables की भी बात करेंगे, क्वेश्चन आपके मैं 2 या 3 क्वेश्चन लूंगा 5 variables का, पूरे डिटेल में हम बात करेंगे 5 variables का भी के मैप अवेलेबल होता है, 6 variables तक की होता है एक्चुअली, अब लेकिन अपने गेट के सिलेबस में 5 variables तक ही पढ़ते हैं हम लोग, और आप लोग अपने यूनिवर्सिटी में भी आई थिंक 4 variables तक ही पढ़े होंगे, 5 variables ही पढ़ोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आप लोग को आइडिया उसका दूंगा क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं कल क्लास में सेम टाइमिंग 5 to 7 PM। बाय बाय क्लास, थैंक यू।